मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ। सुबह भी बज रहा है 6:30। मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ वापस घर, फ्रेश हो गई हूँ। इतना सारा कपड़े भी मैंने धो लिया है। अभी ब्रेकफास्ट सर्व करूँगी और हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करना है। कल का थोड़ा सा राइस था तो फ्राई कर लिया है, ये हो जाएगा। और यहाँ पे बन रहा है रोटी, ये है आज का ब्रेकफास्ट। और यहाँ पे मैंने मैंगो कट करके रखा है। हस्बैंड के टिफ़िन भी कर लिया है पैक। खाना बना लिया है मैंने। अभी मैं ना यहाँ पे कपड़े प्रेस कर रही हूँ। आज सब फ्रेंड्स मिलके ना, मेरे सब फ्रेंड्स मिलके पॉटलक प्लान किया है, तो सब एक एक डिश जो है वो बना के घर से लाएंगे और मेरे घर पे सारे मिलके एक साथ लंच करेंगे। मैंने खीर बनाया है, खीर दिखाती हूँ आप लोगों को। तो सबने प्लान बनाया था कि वन पीस पहनना है, तो मैंने एक ड्रेस निकाला है और उसको प्रेस कर रही हूँ अभी, वही पहनूँगी। खीर दिखा देती हूँ आप लोगों को, ये देखिए, ये डेट्स जैगरी वाला खीर है। और यहाँ पे मैंने राइस चला दिया है, राइस थोड़ा सा ही चलाया है क्योंकि मम्मी जी के लिए ही सिर्फ राइस बन रहा है। मेरा तो वो लोग लेके ही आएंगे, मेरे और मेरी बेटी का। और यहाँ पे है मम्मी जी के लिए बैंगन फ्राई और एक अंडा ऑमलेट बना दूँगी। की वजह से ना सब कुछ ठप होके रखा था। अभी धीरे धीरे जब सिचुएशन सही हो रहा है तो हम लोगों का प्लान्स भी जो बन रहा था 2019 में जो प्लान्स हमारा हो गया था या हुआ था, वो प्लान्स फिर से दोबारा बन रहा है, अच्छा लग रहा है। पहले बेटी को नहलाऊंगी, उसके बाद मैं खुद जाऊंगी नहाने। नहा के आके पूजा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि सब लोग 1 बजे तक आ जाएंगे। अभी मैंने ना ग्लास, कटोरी और चम्मच वगैरह सब कुछ निकाल के रखी हूँ। प्लेट्स मेरे पास नहीं है तो मैं उन लोगों को ही बोल दिया है कि प्लेट्स कोई लेके आना। बेटी को अभी लंच करवा रही हूँ, सोचा कि लंच करवाने के बाद ही नहाने जाऊँ, तो इसका लंच भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो सब आएंगे, उसके बाद हम लोग गप्पे करेंगे, फिर लंच करेंगे, तो इसके लिए लेट हो जाएगा। तो इसका लंच हो जाएगा इस देर में, तो इसलिए इसको लंच करवा दिया। सब आ गए हैं, मैं भी नहा के रेडी हो गई हूँ। आज पहली बार ना ब्लू आईलाइनर लगाया है, पता नहीं कैसी लग रही हूँ। अभी गेम्स की प्रिपरेशन चल रहा है लेकिन पेन नहीं मिला, तो निकिता कॉल कर रही है आशी को। मेरे पास नहीं है, क्या करूं मैं, बोल ना। मैंने तीन पेन निकाल के दिया लेकिन एक भी पेन नहीं चल रहा है। मेरी पेंसिल चल रही है। हाँ, इसकी पेंसिल चल रही है, बस पेंसिल है लेकिन शार्पनर नहीं है और कोई भी पेंसिल शार्प किया हुआ नहीं है, नया वाला पेंसिल है सब। यहाँ पे गेम चल रहा है, अल्फाबेट को सजाना है। कौन स्टार्ट कर रहा है पहले? निकिता कर, पट से कर, नीचे टाइमर शुभ शेष तरफ ऐसे नहीं। हाँ हाँ, ये कौन सी बातें खड़ा ये ऐसे अभी
कहाँ पर मिल रहा है? ये लास्ट के लिए। अच्छा लास्ट के लिए, खोल इसको। क्या है पता नहीं। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। चल चॉकलेट खिला, कितना खुद खाएगी बोली। मामा मत और बोली हो जाएगी। खाना मत, सब खाना लेके आए हैं। ये राइस शुभांगी ने बनाया है, ये मिक्स्ड वेज निकिता ने बनाया है, ये मेरा खीर है सैलड, और ये भी शुभांगी लाई है, ये नीता लाई है छोले, और यहाँ पे है चपाती जो सारिका लाई है। ये है हमारा आज का पॉटलक का यम्मी वाला डिश। खाना खा लिया है, अभी सब बैठ के गप्पे मारने के साथ। दोपहर में सबके जाने के बाद पूरा घर समेटा और फिर थोड़ी देर आके सो गई थी। अभी सुनाई दे रहा है कि हीट वेव चालू होने वाला है पुणे में। पहले क्या हो रहा था ना, घर के अंदर जो है गर्मी हो रही थी, लेकिन बाहर जाओ ना शाम के टाइम पे तो अच्छा सा एक हवा चलता था ठंडा वाला। कल जब मैं निकली थी बाहर, मैं ज्वेति दीदी और मेरी बेटी, तब देखा कि 8:30 बज गए हैं, फिर भी जैसे लू चल रहा है। हवा जो चल रहा है वो इतना गर्म, और न्यूज़ में अभी आ रहा है कि हीट वेव चालू होने वाला है। पता नहीं क्या दिन दिखाने वाला है, क्या बदतर दिन दिखाने वाला है। और ना क्या हो रहा है, हमारे लोकेलिटी में रोड बनाने के लिए साइड के जो सारे बड़े बड़े पेड़ थे ना, वो सारे काट दिए। पता नहीं क्यों यार, रोड के बीच में भी तो पेड़ रख के साइड से रोड बना सकते हैं ना लोग, ऐसा क्यों कोई नहीं सोचता, क्या पता। सारे मतलब रोड बनाना है तो पहले पेड़ को काट दो, यही सब लोग करते हैं पहले। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि इतना पुराने पुराने बड़े बड़े पेड़ थे, आम के पेड़ थे, और एक वो क्या बोलते हैं इसको, पीपल के पेड़ थे, सारे के सारे कट कर दिए। बहुत पुराने पुराने पेड़ थे, और इतना अच्छा वो शैडो देता था ना रास्ते पे। अगर आप किसी भी दुकान पे रुक जाओ तो वहीं पे आप खड़े हो जाओ ना, या स्कूटी वहाँ पे पार्क कर दो तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन सारे के सारे पेड़ जो है उन्होंने काट दिया रोड बनाने के लिए। पता नहीं क्या दिन आने वाला है। यहाँ पे राइस मेरा बन गया है, अभी इसको छान लूँगी। यहाँ पे मैं अभी पकोड़े फ्राई कर रही हूँ, मैं शायद डिनर नहीं करूँगी। ज़्यादा नहीं करूँगी, सारी का चपाती रख के गई है, शायद 2-3 चपाती होंगे, तो ये कल सुबह मेरे हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में दे दूँगी। और यहाँ पे हो रहा है पकोड़ा, और ये ब्रिंजल फ्राई है, ये दाल और ये पकोड़ा मेरे हस्बैंड के लिए हो जाएगा। डिनर हो गया है, अभी मैं करूँगी चिकन मैरिनेट। कल चिकन बनाऊंगी सिंपल सा दही के साथ, और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और सरसों का ऑयल डाल के मैरिनेट करके फ्रिज में रखूंगी। ये जो चिकन के पीसेस है ना, ये मेरे हस्बैंड नहीं खाने वाले हैं, क्योंकि ये वाले पीसेस जो है ना ये उनको नहीं पसंद, तो उनके लिए एक बना दूंगी। और ये मैं मम्मी जी और मेरी बेटी ही खाने वाले हैं, उनके लिए एक बना दूंगी 2 टाइम का।
कुछ हो गया है, सब काम ख़त्म हो गया है। अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊंगी और सो जाऊंगी। कल फिर से मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, बहुत सुबह उठना है, तो ज़्यादा देर तक रात को जग नहीं पाती हूँ। फिर भी 11:15 बज गए हैं, हाँ 11:15 हो गया है ऑलरेडी। अभी फ्रेश होते होते 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे। बेटी को भी तैयार करना है सोने के लिए, उसको भी हाथ पाँव अच्छे से धुलाना है, उसके बाद सोना है। तो चलिए इस वीडियो को आज मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कर दीजिए। टिल देन, बाय, गुड नाइट।